नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। झारखंड में विकास के लिए बना नेकलेस प्रोजेक्ट का जानिहाल। झारखंड राज्य गठन के बाद गुमला शहर के विकास के लिए नित्य नई नई योजनाएं शुरू हुई। वर्ष 2008 में नेकलेस प्रोजेक्ट बनाया गया था, इसमें 8 लाख रुपए भी खर्च हुआ, लेकिन गुमला शहर में इस प्रोजेक्ट के तहत काम नहीं हो सका, जिससे गुमला शहर का जितना विकास होना चाहिए वह नहीं हो सका। शहर का विकास कैसे हो, इस मुद्दे पर लोगों ने अपनी राय दी है। झारखंड का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना धनबाद। प्रदूषण से बचने के लिए 3 जिलों को मिले 237 करोड़ रुपये। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत झारखंड के 3 जिलों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारत सरकार से 237 करोड़ रुपये से अधिक पैसा मिला है। धनबाद को यह राशि 2019-20 तथा शेष जिलों को यह राशि 2021-22 से मिल रहा है। इस राशि से जिलों को प्रदूषण रोकने के लिए प्रयास करना है। भारत सरकार ने NCP योजना के तहत राज्य के 3 जिलों को रखा है। इन जिलों का एक्शन प्लान राज्य सरकार ने बनाया है। राज्य में प्रदूषण की सबसे खराब स्थिति धनबाद जिले की है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मानना है कि NCAP कार्यक्रम चलाए जाने के बाद झारखंड के 3 जिलों के पर्यावरण में सुधार हुआ है। भारत सरकार 2019-20 से NCAP कार्यक्रम चला रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के 5 प्रमुख क्षेत्रों में बनेगा रोपवे केंद्र को भेजा प्रस्ताव। बोकारो के लुरू बुरू, घंटाबाड़ी और धनबाद के मैथन समेत राज्य की 5 प्रमुख पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे का निर्माण कराया जाएगा। भारत सरकार के नेशनल रोपवे प्रोग्राम पर्वतमाला के तहत 5 प्रोजेक्ट शामिल किए जाएंगे। राज्य की भौगोलिक संरचना सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में देखते हुए यह फैसला लिया गया है। झारखंड के पथ निर्माण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेज दिया है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इसकी निर्माण की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में पहले चरण में धनबाद के मैथन, बोकारो के लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, नेतरहाट, सारंडा, हवामुंडी और दलवा पहाड़ी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। झारखंड के कॉलेजों को 8,000 में चाहिए MTech शिक्षक, घंटी के आधार पर दिया जाता है मानदेय। राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता PGT के अनुरूप रखी गई है। कॉलेज की ओर से संविदा पर नियुक्त किए जाने वाले इन शिक्षकों की योग्यता MSc MTech मांगी जाती है, जबकि राज्य के अधिकतर कॉलेजों में इन शिक्षकों के घंटी के आधार पर मानदेय के रूप में प्रतिमाह 6 से 8 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। वही कॉलेजों में अवकाश होने की स्थिति में कई माह मानदेय 5,000 से भी कम हो जाता है, जो 4th ग्रेड के एक कर्मी के मानदेय से भी कम है। हालांकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इन शिक्षकों के लिए प्रति घंटा 400 और अधिकतम 12,000 रुपये निर्धारित कर रखा है। इसी महीने हो सकता है नगर निकाय चुनाव की घोषणा। राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा नवंबर में ही हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर DK तिवारी ने शनिवार को सभी जिलों के DC व SP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुका की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने चुनाव पूर्व सभी कार्यों को 20 नवंबर के पहले समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसके बाद कभी भी चुनाव की घोषणा की जा सकती है। जानिए राज्य की कोरोना की स्थिति। 17 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं, राज्य में 22 मरीज बचे। झारखंड कोरोना की रफ्तार मंद पड़ चुकी है। नए मामले अब नहीं के बराबर आ रही है। वहीं कोरोना मरीजों को रिकवर होने का सिलसिला जारी है। अब राज्य के 17 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। वहीं एक्टिव मरीजों की बात करें तो राज्य में मात्र 22 मरीज बचे हैं। इससे भी सबसे ज़्यादा 9 मरीज रांची है। इसके बाद गुमला में 5 और रामगढ़ में 3 मरीज है। हजारीबाग में 2 और ईस्ट सिंहभूम, बोकारो, धनबाद में 1-1 मरीज एक्टिव है। झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना से 5 लाख लाभुकों को जोड़ा जाएगा, अभियान हुआ तेज। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में एक दिन पहले 14 नवंबर तक राज्य के 5 लाख लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ दिया जाएगा। राज्य सरकार के दिए गए लक्ष्य के अनुरूप जिला स्तर पर सघन अभियान शुरू किया गया है। इस योजना का लाभ योग्य लाभुकों को उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रयास किया जा रहा है कि सारे जरूरतमंद को इस महत्वपूर्ण पेंशन योजना से जोड़ दिया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना को भी दिए गए लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। रिटायरमेंट के बाद मिलेगी 50,000 पेंशन, जाने कैसे उठा सकते हैं लाभ। अगर आप नौकरी पेशा और रिटायरमेंट के बाद भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है। वैसे तो कई पेंशन प्लान आपको रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन का फायदा देते हैं, लेकिन नेशनल पेंशन सिस्टम आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। इसके तहत आपको
4,500 रुपये हर महीने निवेश कर रिटायरमेंट के बाद 51,848 रुपये प्रति माह पेंशन पा सकते हैं। ध्यान रहे कि निवेश करने से पहले निवेशक सारी शर्तों को नियम को अच्छी तरह से पढ़ लें। केंद्र बोली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद देश में प्रति व्यक्ति आय 33.4% बढ़ी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद देश के प्रति व्यक्ति आय वास्तविक रूप से 33.4% बढ़ी है। केंद्र ने बताया कि NFS के तहत पिछले 8 वर्षों में लगभग 4.7 करोड़ राशन कार्ड जोड़े गए हैं। बकौल केंद्र, NFSA में अपात्र परिवारों को बाहर न करने से सब्सिडी की बोझ बढ़ता है। इंग्लैंड ने पाक को हराकर 12 साल बाद जीता T20 विश्व कप, वेस्टइंडीज के रिकॉर्ड की बराबरी। इंग्लैंड ने T20 विश्व कप 2022 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 12 साल बाद T20 विश्व कप जीत लिया है। पाकिस्तान को 20 ओवर में 137 के स्कोर पर रोककर इंग्लैंड ने 19 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसके साथ ही इंग्लैंड ने सर्वाधिक 2 T20 विश्व कप जीतने के वेस्टइंडीज के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। हिमाचल प्रदेश में निजी वाहन में EVM ले जाने वाले पोलिंग पार्टी निलंबित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के EVM को निजी वाहन में ले जाने को लेकर शिमला जिले के चुनाव आयोग के अधिकारियों ने एक पोलिंग पार्टी को निलंबित किया है। निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र मोहन ने कहा, पोलिंग पार्टी EVM या VVPAT को निजी गाड़ी से ले जा गई जो चुनाव आयोग के निर्देशन का उल्लंघन है। पोलिंग पार्टी ने तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। बैंक लोन न भर पाने पर बिहार के कोर्ट में रो पड़ा बुजुर्ग, जज ने दिए 10,000। बिहार के जहानाबाद में शनिवार को व्यवहार न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में एक बुजुर्ग बैंक का कर्ज चुकाने में असमर्थता जताते हुए रो पड़ा। इसके बाद जिला जज ने कर्ज चुकाने में उसकी मदद की। बुजुर्ग ने बताया, बेटी की शादी के लिए बैंक से कर्ज लिया था, 18,600 चुकाने थे जिसके लिए 10,000 जज साहब ने दिए।